हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड यूनिट में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं क्लियर करने के लिए, उन्हें क्लियर करेंगे। तो देखिए, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर थॉटिकल आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है। तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट दोनों ही प्रकार से बेनिफिशियबल है। यदि आपका पेपर थॉटिकल आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, तो आप जैसे मैंने नोट्स आपके लिए बनाए हैं वैसे ही आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए। और यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीप एंड वाइड पढ़िए, इसी से आपका ऑप्शन क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ठीक है, दिखाई दे रहा है हमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर का मतलब होता है, आप जानते हैं, रंगमंच या रंगशाला, जिस पर ड्रामास को प्ले किया जाता है। और एब्सर्ड मीन्स होता है हास्यास्पद या बेतुका, मतलब बेतुका या हास्यास्पद रंगमंच। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, देखिए आप समझेंगे। क्रिटिक मार्टिन एसलिन coined the term theater of absurd in his essay theater of absurd। ठीक है, क्रिटिक मार्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है और आपका थॉटिकल आता है तब भी आपको नाम देना है इनका। क्रिटिक मार्टिन जो थे, उन्होंने ही इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड को coined किया था। coined का मतलब होता है एक नया पद बनाना, एक सी पद को एक नया नाम देना, ठीक है, या नया शब्द बनाना। ठीक है, coined, तो क्रिटिक मार्टिन कॉइंड का मतलब है नया पद बनाना, नया शब्द बनाना, या किसी शब्द को एक नया नाम देना। ठीक है, तो कॉइंड किया था टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड को। क्रिटिक मार्टिन एसलिन ने थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म को कॉइंड किया था, नया पद बनाया था इन हिज ऐसे अपने निबंध थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। द वर्ड इज अप्लाइड टू ए ग्रुप ऑफ प्लेरिट्स वर्क। अब जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड शब्द है ना, ये किसके लिए अप्लाइड किया गया है? द वर्ड इज अप्लाइड टू ए ग्रुप ऑफ प्लेरिट्स वर्क। ग्रुप ऑफ प्लेरिट्स होते हैं लेखक, वर्क एक ग्रुप, बहुत से लोगों, बहुत से राइटर्स, जिस ग्रुप में बहुत सारे राइटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ राइटर्स जो थे, लेखक जो प्लेरिट्स थे, उनके वर्क को थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा गया, उनके लिए अप्लाई किया गया। विच जो आर प्रीडोमिनेटली रिटन इन द 1950 एंड 1960 बाई ए ग्रुप ऑफ प्राइमरीली यूरोपियन प्लेरिट। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, हाँ, इसको हटा लेते हैं, पुनः जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये थिएटर ऑफ बर्ड जो शब्द है किसके लिए अप्लाइड किया गया है, यहाँ से देखेंगे, ग्रुप ऑफ प्लेरिट्स, ये वर्क, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लेरिट्स वर्क। विच आर प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है अधिकांशतः, विच मीन्स जो वर प्रोमिनेंटली रिटन, जो अधिकांशतः लिखे गए या मुख्यतः लिखे गए थे, कब लिखे गए थे? 1950 से लेकर के 1960 तक ये लिखे गए थे। कौन? ऐसे या ड्रामा थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ठीक है, किसके द्वारा लिखे गए थे? बाई ए ग्रुप ऑफ प्राइमरीली यूरोपियन प्लेरिट्स, यूरोपियन प्लेरिट्स जो थे, लेखक जो थे, उनके द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, समझ में आया होगा, क्लियर हो गया थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड होता है ए ग्रुप ऑफ प्लेरिट्स वर्क, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ प्लेरिट्स
वर्क, जो कब लिखा गया, मेनली 1950 से लेकर के 1960 तक, और किसके द्वारा लिखा गया, यूरोपियन प्लेरेट्स के द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। देयर वर्क मेयरली पोर्ट्रेट द आइडिया ऑफ मीनिंगलेस एंड पर्पजलेस एग्जिस्टेंस फॉर ह्यूमन्स। ठीक है, देयर वर्क, जो उनका वर्क जो था प्लेरेट्स का, यूरोपियन प्लेरेट्स का, ठीक है, देयर वर्क, उनका वर्क मेयरली, मात्र पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्णन करना या चित्रित करना, द आइडिया ऑफ मीनिंगलेस, अर्थहीन विचार को और उद्देश्यहीन विचार को क्या करता है, एग्जिस्टेंस फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के अस्तित्व के लिए पर्पज, उद्देश्यहीन और अर्थहीन आइडियाज को वर्णित करता है या चित्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इन हिज 1942 आर्टिकल द माइथ ऑफ सिसाइफस, फिलोसोफर अल्बर्ट कैमस प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ एब्सर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ध्यान रखेंगे, इन हिज आया है अल्बर्ट कैमस के लिए। ठीक है, इन हिज 1942 आर्टिकल इनका था एक, ठीक है, और तो द माइथ ऑफ सिसाइफस आर्टिकल का नाम था। ठीक है, फिलोसोफर अल्बर्ट कैमस ने, ठीक है, दार्शनिक, फिलोसोफर होता है दार्शनिक, दार्शनिक अल्बर्ट कैमस ने प्रेजेंटेड में इस प्रस्तुत किया द कंसेप्ट ऑफ एब्सर्ड को, एब्सर्ड कंसेप्ट को फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार। दो शब्द हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, तो एब्सर्ड शब्द को, ठीक है, एब्सर्ड का मतलब है हास्यास्पद या बेतुका। ठीक है, तो किसने, अल्बर्ट कैमस ने अपना जो एक आर्टिकल था उनका माइथ ऑफ सिसाइफस, ठीक है, उसमें इन्होंने एब्सर्ड शब्द को फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड किया था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा, प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया था दिस कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट को, एब्सर्ड कंसेप्ट को। ठीक है, आगे चलेंगे। द हार्स आर्ट एक्सपेरिमेंट्स 1920 एंड 1930 गेव बर्थ ऑफ एब्सर्ड थिएटर। ठीक है, द हार्स आर्ट, एक हार्स आर्ट ने, कठोर आर्ट कला ने, हार्स आर्ट एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है, कठोर कला एक्सपेरिमेंट मीन्स अनुभवों ने 1920 से 1930 में गेव मीन्स दिया बर्थ मीन्स जन्म एब्सर्ड थिएटर को, एब्सर्ड थिएटर को जन्म दिया। ठीक है, ऑन द मॉडर्न स्टेज, ठीक है, किस पर, आधुनिक स्टेज पर, इसको हटा लेते हैं तब समझते हैं, ऑन द मॉडर्न स्टेज, आधुनिक स्टेज पर द एब्सर्ड प्ले इज अनकंसर्न्ड अबाउट रिजॉल्विंग एनी इश्यूज। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ऑन द मॉडर्न स्टेज, मॉडर्न स्टेज पर, आधुनिक स्टेज पर एब्सर्ड प्ले, जो एब्सर्ड प्ले हैं इज अनकंसर्न्ड, क्या है, अनकंसर्न्ड हैं, अनकंसर्न्ड का मतलब उदासीन हैं या विमुख हैं, अबाउट मीन्स बारे में, रिजॉल्विंग का मतलब होता है किसी समस्या का हल निकालना। ठीक है, किसके बारे में, एनी इशू, किसी भी इशू, किसी भी मुद्दे की समस्या का हल निकालने के बारे में उदासीन है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, मॉडर्न स्टेज में, ऑन द मॉडर्न स्टेज पर, ठीक है, एब्सर्ड प्ले जो हैं, क्या है, एब्सर्ड प्ले क्या है, क्या है, इज अनकंसर्न, उदासीन है या विमुख है, अबाउट रिजॉल्विंग, क्या करने के बारे में, किसी भी समस्या, किसी भी मुद्दे का हल निकालने में उदासीन माने जाते हैं। तो लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड एज कम्युनिकेशन टूल इन एब्सर्ड प्ले, लैंग्वेज जो है इज नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं की जाती है एज कम्युनिकेशन टूल के रूप में इन एब्सर्ड प्ले, एब्सर्ड प्ले में। ठीक है, लैंग्वेज हैज डेवलप्ड इनटू ए मीनिंगलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन प्लेज में क्या किया गया, लैंग्वेज हैज़ डेवलप्ड, लैंग्वेज डेवलप की मतलब
लैंग्वेज ने डेवलप किया इनटू ए मीनिंगलेस मीडियम, किसमें, एक अर्थहीन माध्यम में ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एक अर्थहीन माध्यम में विकास किया। इन रियलिटी, वास्तविकता में इट फेल्स या असफल हो जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने में द सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव अनुभव को या ह्यूमन एक्सपीरियंस को के महत्व को व्यक्त करने में ये क्या हो जाता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो प्ले है वो असफल हो जाता है। आगे समझेंगे, दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं आपके लिए जो किसके हैं, देखो एग्जांपल्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड कौन है, कौन कौन से हैं, वेटिंग फॉर गॉडॉट जो लिखा गया 1953 में, और एंड गेम 1957 में लिखा गया, किसके द्वारा, बाय सैमुअल बेकेट, बेकेट ठीक है, बेकेट के द्वारा लिखा गया, सैमुअल बेकेट, ये दोनों उदाहरण उन्हीं के हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का जो क्वेश्चंस हैं क्या हैं, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन का अस्तित्व है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न उठाया गया है उस पर, ठीक है। तो देखेंगे समझेंगे, एब्सर्ड प्लेस एक्सप्लोर, एक्सप्लोर है यहाँ पर आप लिखें तो ई एक्स पी एल ओ आर ई और है, ठीक है, थोड़ा फोटो को करने में कट हो गया है, बेसिक एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स सच एज वाय बी, आगे ये बी है, आर लिविंग, वाय बी मस्ट डाई एंड वाय देयर इज इनजस्टिस एंड पेन, ठीक है, इसको समझेंगे। तो देखेंगे एब्सर्ड प्लेज एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना या खोज की यात्रा करना, ठीक है। तो एब्सर्ड प्ले ने क्या किया, एक्सप्लोर किया, बेसिक मीन्स आधारीय, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल का मतलब अस्तित्व, कंसर्न में संबंधित, सच एज भाई वी आर लिविंग, ठीक है। एब्सर्ड प्ले ने बेसिक एग्जिस्टेंशियल कंसर्न को क्या किया, एक्सप्लोर किया, उन चीज़ों की खोज की, किस चीज़ की खोज की, कि सच है जैसे कि वाई वी आर लिविंग, हम क्यों जी रहे हैं, वाई वी मस्ट डाई, हमें क्यों मरना चाहिए, एंड वाई देयर इज इनजस्टिस एंड पेन, और ये जो वाई मीन्स क्यों, देयर इज इनजस्टिस अन्याय और दर्द क्यों है, इन चीज़ों को थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो एब्सर्ड प्ले थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया था कि ये चीज़ जो अस्तित्व में है हमारी, बेसिक एग्जिस्टेंस है हमारी, कि हम जन्म लेंगे, हम मरेंगे, ये निश्चित है कि व्यक्ति का जन्म होता है वह मरता है, और इस दुनिया में दर्द है, अन्याय है, इस चीज़ पर क्वेश्चन किए गए, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड हेडिंग है हमारी डिस्ट्रस्ट इन लैंग्वेज, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, इन लैंग्वेज भाषा में अविश्वास था, जो एब्सर्ड प्ले जो थे, जो एब्सर्डिट प्लेरिट्स जो थे उनको भाषा में, तो देखो समझते हैं, एब्सर्डिट एब्सर्डिट्स प्लेरिट्स, एब्सर्डिट्स प्लेरिट्स जो थे बिलीव, विश्वास करते थे दैट कि लैंग्वेज इज नथिंग, भाषा कुछ भी नहीं है, मोर देन ए मीनिंगलेस और स्टेरियोटाइप्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एब्सर्डिट्स जो प्लेरिट्स थे, जिन्होंने एब्सर्ड प्लेज लिखे थे, उनका मानना ये था, वो विश्वास ये करते थे, लैंग्वेज इज नथिंग, भाषा कुछ भी नहीं है, मोर देन मीन्स से मीनिंगलेस, अर्थहीन, और स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़वादिता, रूढ़ता, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान में, विचारों के आदान प्रदान में जो रूढ़वादिता है, अर्थहीनता से अधिक नहीं बताया है उन्होंने भाषा को, कि लैंग्वेज इज नथिंग मोर देन द मीनिंगलेस एंड स्टेरियोटाइप्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चल तो रहा है।
नेक्स्ट है थर्ड हेडिंग हमारी, थर्ड है ये दिख रहा है, अरे सॉरी, थर्ड हेडिंग है हमारी देखेंगे इलॉजिकल स्पीच एंड मीनिंगलेस प्लॉट्स। इलॉजिकल मतलब अतर्कसंगत, लॉजिकल होता है तर्कसंगत और इलॉजिकल होता है अतर्कसंगत स्पीच मिस भाषण एंड मीनिंगलेस प्लॉट्स और उसका अर्थहीन प्लॉट, प्लॉट मीन्स मतलब वो योजना या कथानक। तो दे बांट, वे चाहते थे, दे किसके लिए आया है, एब्सर्डिट प्लेरिट्स के लिए आया है, ठीक है। तो दे बांट टू इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब होता है शिक्षा देना, सलाह देना, ए सेंस ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट देयर ओन यूनिवर्स थ्रू इलॉजिकल स्पीच और मीनिंगलेस प्लॉट। दे वॉन्ट टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ फ्रीडम, वे क्या चाहते थे, सेंस ऑफ फ्रीडम की शिक्षा देना चाहते थे, ठीक है। सेंस ऑफ फ्रीडम, हर व्यक्ति फ्री है, इस तरह से आपने एक बार पाठ पढ़ा होगा सुकरात 10th क्लास में, ठीक है। तो उनके भी कुछ अपने क्या थे, उपदेश थे, शिक्षा थी कि व्यक्ति को अपने तरीके से सोचना चाहिए और वो फ्री है अपने तरीके से कुछ भी करने के लिए, किसी के दबाव में नहीं है। तो दे वॉन्ट टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट, क्रिएट करने के लिए, निर्माण करने के लिए देयर अपना ओन यूनिवर्स, अपना स्वयं का एक यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए हर व्यक्ति को क्या है, सेंस ऑफ फ्रीडम की शिक्षा देना चाहते थे। किसके द्वारा, थ्रू इलॉजिकल स्पीच, अपने अतर्क संगत और मीनिंगलेस उद्देश्यहीन प्लॉट्स के द्वारा। समझ में आई होगी बात, बे क्या करने के लिए, बॉन्ड टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ फ्रीडम, बे सेंस ऑफ फ्रीडम की शिक्षा देना चाहते थे, किसके लिए देना चाहते थे, क्रिएट देयर ओन यूनिवर्स थ्रू इलॉजिकल स्पीच, क्या करने के लिए, क्रिएट देयर ओन यूनिवर्स, अपना उनका अपना स्वयं का एक यूनिवर्स क्रिएट करें, वो अपना एक विश्व या कहेंगे अपना एक दायरा, अपना एक दुनिया अपनी, थ्रो मीन्स के द्वारा, इलॉजिकल स्पीच, ठीक है, अतर्क संगत भाषणों के द्वारा, स्पीच के द्वारा और मीनिंगलेस प्लॉट्स के द्वारा, ठीक है। आगे चलेंगे, फोर है हेडिंग हमारी री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीन्स कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स, ठीक है। री एस्टेब्लिश मतलब पुनः स्थापना, ऑफ मीन्स कम्युनिकेशन, आदमी के कम्युनिकेशन की, विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ। दे सीक, वे खोजते हैं, टू री एस्टेब्लिश द रिलीवेंस ऑफ माइथ एंड रिचुअल इन मैंस लाइफ। देखो समझेंगे, दे सीक, वे खोजते हैं, क्या खोजते हैं, टू खोज करते हैं या खोज कर खोजते हैं, टू री एस्टेब्लिश पुनः स्थापना किसकी, द रिलीवेंस, रिलीवेंस होता है प्रासंगिकता, ऑफ द माइथ मीन्स पौराणिक कथा, और रिचुअल्स होते हैं हमारे संस्कार, इन मेंस लाइफ, मेंस मीन्स मनुष्य या आदमी के जीवन की। बे आदमी के जीवन में क्या करना चाहते थे, प्रासंगिक पौराणिक और संस्कारों की रिस्थापना करने की चीज़ें खोजा करते थे या रियास स्थापना करना चाहते थे। टू अवेकन, जगाना चाहते थे हिम, उसको, द अल्टीमेट रियलिटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, और वो उसके अपने अस्तित्व, अपने जीवन की वास्तविकता को, अल्टीमेट का मतलब होता है एक्सट्रीम लिमिट, समझ में आया, कहेंगे हम अंतिम या आखिरत है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते, आखिरकार ह्यूमन उसके अपने जीवन की वास्तविकता को जगाना चाहते थे कि व्यक्ति अपनी वास्तविकता को भूल गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगली हेडिंग है हमारी एम्फेसाइज ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, हाँ देखेंगे, देखो एम्फेसाइज ऑन, एम्फेसाइज पाँचवीं हेडिंग है ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है।
एम्फेसाइज मीन्स जोर देना, बल देना, विशेष बल देना। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त, वैल्यू मीन्स मूल्य ऑफ लाइफ। ठीक है, वे क्या करते थे, मतलब जोर देना किस पर, वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन की अमूर्त मूल्यों पर जोर देना। तो एब्सर्डिट्स जो थे, एब्सर्डिट प्लेरिट्स जो थे, फोर्स करते थे अस मीस हमको, टू कंसीडर मीस मानने के लिए या स्वीकार करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट लाइफ वैल्यू। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लाइफ वैल्यू, अमूर्त जीवन के मूल्यों को स्वीकार करने के लिए, मान लेने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट्स फोर्स करते थे। सच एज जैसे कि लव एंड फैमिली, प्यार और परिवार। ठीक है, क्लियर हो गया। जीवन की जो मूल्य होते हैं, वैल्यू होती है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए एब्सर्डिट ने हमको फोर्स किया था, एम्फेसाइज किया था किस में, एब्सर्ड प्लेस में। आगे चलेंगे, बेग्यूनेस अबाउट टाइम प्लेस एंड करेक्टर। बेग्यूनेस मीन्स अनिश्चितता या अस्पष्टता, अबाउट मीन्स बारे में, टाइम प्लेस और करेक्टर्स, टाइम प्लेस और करेक्टर के बारे में अनिश्चितता या अस्पष्टता। तो एब्सर्डिट्स, एब्सर्डिट्स किसके लिए यूज हुआ है, ध्यान रखेंगे, एब्सर्डिट्स यूज हुआ है जो एब्सर्ड प्ले लिखने वाले प्लेरिट्स के लिए। ठीक है, तो एब्सर्डिट्स बिलीव, विश्वास करते हैं दैट के देयर इज नो हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, और फ्यूचर कोई क्या नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, जस्ट द रिपिटेशन ऑफ द प्रेजेंट, केवल क्या है, वर्तमान ही केवल हमारा एक रिपिटेशन है, वर्तमान में जो है वही है हमारा, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है। ऐसा उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी किसमें, एब्सर्ड प्ले में। हेंस इसलिए देयर प्लेस, उनके प्लेस में लेक टाइम प्लेस एंड करेक्टर, इसलिए उनके प्ले में टाइम प्लेस और करेक्टर का क्या है, लेक है, कमी है। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट हेडिंग है हमारी, लेक ऑफ कम्युनिकेशन एडमिट करेक्टर्स। लेक मीन्स कमी, कम्युनिकेशन एडमिट स्वीकार करना करेक्टर्स को, मोर एलिनेशन। ठीक है, मोर एलिनेशन का मतलब होता है मुख्यतः रिजल्ट्स, बिकॉज ईच, देखेंगे, देखो, मोर एलिनेशन रिजल्ट्स बिकॉज ईच करेक्टर लिव्स इन egoistic life and tries to pursue another character to understand him. ठीक है, तो मोर alienation, अधिकांश विमुखता या अलगाव, विलगाव results परिणाम देता है कि because each character, प्रत्येक character lives रहता है in egoistic life. egoistic life होती है तर्कपूर्ण जीवन। ठीक है, मतलब वो लोग ऐसा मानते थे कि हर व्यक्ति को, ये नहीं है कि किसी ने कह दिया कि ये बबूल है तो बबूल मान लो, ये बबूल है, आम को बबूल कह दिया और कहो कहो कि ये बबूल है, नहीं, तर्कपूर्ण लाइफ, एगोइस्टिक लाइफ। ठीक है, प्रत्येक करेक्टर उनका क्या जीता था, लिव्स इन एगोइस्टिक लाइफ, मतलब सच्चाई, सच क्या है, तर्कपूर्ण, तर्क करो, नहीं ये बबूल नहीं है, ये आम है। समझ में आया, मतलब जो हम पे चीज़ें थोपी जा रही हैं जबरदस्ती ना, उनको थोपने मत दो, तर्क करो। तो करेक्टर्स लिव्स इन एगोइस्टिक लाइफ एंड ट्राइज टू परस्यूड, एंड ट्राइज, कोशिश करता था करेक्टर उनका, टू परस्यूड, परस्यूड कुछ पाने की। ठीक है, कुछ पाने की कोशिश करना, एनोदर करेक्टर टू अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, दूसरे करेक्टर से टू अंडरस्टैंड हिम, उसे समझकर, ठीक है, उसे समझाकर या उसे समझकर एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को क्या करता है, समझाने की या कुछ पाने की कोशिश करता है। जैसे ह्यूमन लाइफ में भी हम क्या करते हैं, हमारे मानव लाइफ में क्या है, एक दूसरे से ही हम क्या करते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करते हैं या उसको समझते हैं या समझाते हैं। ठीक है, और इगोइस्टिक लाइफ हम जीते हैं। ठीक
इस तरह से ही हमारा थिएटर ऑफ अपसेट क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हमारे यूनिट थर्ड में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।